Hello friends and welcome back to Little Scholars where future lies in your own abilities. तो फ्रेंड्स आज हम बायो की फिफ्थ वीडियो और टिश्यू चैप्टर की वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। अभी तक की फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पूरा इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल टिश्यू बाइंड अप करा था, ठीक है, उसका एक ब्रॉड व्यू देखा था, एक टैबुलर फॉर्म देखा था, राइट। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसका डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले प्लांट टिश्यू को लेकर उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट। देखिए हम लोगों ने देखा था कि जो प्लांट टिश्यू है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, फर्स्ट वन इज सिंपल एंड सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स पे बाद में जाऊंगा, सबसे पहले सिंपल पे आ जाता हूं, ठीक है। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू को एक पार्ट में डिवाइड किया और उसके फर्दर 3 पार्ट है। पहला पार्ट था, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज मेरिस्टमैटिक एंड सेकेंड वन इज परमानेंट। दैट वी हैव डिस्कस के मेरिस्टमैटिक इमेच्योर है और परमानेंट उसकी मेच्योर फॉर्म है। मतलब मेरिस्टमैटिक के अंदर डिवीजन होते होते जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल रह जाएगा, जब एक ही काम करने के लिए वो स्पेसिफिक के लिए काम में आएगा, दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू, राइट। तो मेरिस्टमैटिक के अंदर हम लोगों को 3 चीजें पढ़नी है, तो राइट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं विद मेरिस्टमैटिक टिश्यू। देखिए प्लांट टिश्यू और उसमें भी सबसे पहले सिंपल, सिंपल के अंदर हम मेरिस्टमैटिक में आए। मेरिस्टमैटिक टिश्यू इमेच्योर एंड कैपेबल ऑफ डिवीजन, ठीक है, इमेच्योर है और इसके अंदर डिवीजन होते रहते हैं, और एक जब डिवीजन खत्म हो गए देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। शेप कैसा मिलेगा? ओवल, राउंडेड एंड पॉलीगन शेप, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं और इनके पास कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होती है। डेंस साइटोप्लाज्म है, सेलुलोज की वॉल्स मिली हुई हैं, जिससे इनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड होती है, एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स। इसका मतलब जब वैक्यूल्स नहीं है तो किसी चीज के स्टोरेशन के काम में नहीं आ सकते। हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एट द सर्टेन रीजंस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यूज एंड द लास्ट वन इज द फंक्शन ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू के ये प्लांट के पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ग्रोथ करने का काम करती है, दैट इज नोन एज मेरिस्टमैटिक टिश्यू। अब देखिए ग्रोथ 3 पॉइंट से करेगी और जो इनके 3 पार्ट्स हैं वो ग्रोथ करने का ही काम करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एपिकल, सेकंड वन इज लेटरल एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी, राइट। देखिए यहां पर एक डायग्राम बना हुआ है, आपको रॉकेट जैसा लग रहा है, ठीक है ना। तो इस डायग्राम के अंदर, ठीक है ना, मैंने वो तीनों पॉइंट्स लिए हैं जहां पर एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी फंक्शन करता है, ठीक है। तो डायग्राम से ज्यादा बेटर समझ में आता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसके अंदर डायग्राम लिए हैं, राइट। देखिए एपिकल, एपिकल जो प्रेजेंट होगा ये बिल्कुल टॉप पॉइंट्स पर प्रेजेंट होगा, रूट्स और शूट्स की, ठीक है ना, ये रूट्स और स्टेम्स की बिल्कुल टॉप पॉइंट्स पर, टिप्स पर प्रेजेंट होगा और उनको ग्रोथ करने के और लेंथ वाइज ग्रोथ करने के काम में आएगा। तो इसका मतलब जो एपिकल टिश्यू है, ठीक है ना, मेरिस्टमैटिक के अंदर एपिकल टिश्यू है, वो एक तो कहां पे प्रेजेंट होता है, स्टेम्स, ठीक है, और दूसरी चीज रूट्स के टिप्स के ऊपर, तो उनकी ग्रोथ करने के काम में आता है। इसका मतलब लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ कौन सा टिश्यू करता है? एपिकल टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हेल्प्स इन द लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, और इसको हम प्राइमरी टिश्यू भी कहते हैं ग्रोथ के लिए। तो देखिए ये यहां प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट हो सकता है, यहां पे ग्रोथ प्रोवाइड करेगा, यहां प्रेजेंट है, यहां पे ग्रोथ प्रोवाइड करने के काम में आता है। सेकंड वन हम लोग देखते हैं, दैट इज लेटरल। देखिए अभी हमने इसकी लेंथ वाइज ग्रोथ देखी, अब इसकी डायफ्राम, इसके डायमीटर वाइज ग्रोथ देखेंगे। तो मतलब जो इसकी गिर्थ को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, एक तो पेड़ों के अंदर लेंथ प्रोवाइड करना और एक स्टेम्स को चौड़ाई देना, तो चौड़ाई देने के लिए जो टिश्यू काम में आता है दैट इज नोन एज लेटरल टिश्यू। अगेन ये प्रेजेंट होगा ऑन द लेटरल साइड्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। नंबर 2, हेल्प्स इन द डायमीटर ग्रोथ गिर, ठीक है ना, तो ये इसको ब्रॉडनेस प्रोवाइड करने के काम में आएगा। तो एपिकल लेंथ प्रोवाइड करने के काम में आता है, लेंथ में ग्रोथ, और लेटरल डायमीटर में ग्रोथ करने के काम में आता है। दिस इज नोन एज सेकेंडरी टिश्यू फॉर द ग्रोथ, जो कि पर्टिकुलर डायमीटर की ग्रोथ इंक्रीज करता है, ठीक है। थर्ड वन आता है इंटरकैलरी, ठीक है, अगेन ये लीव्स और इंटरनोड्स के बिल्कुल बॉटम पॉइंट, बेस पॉइंट पे होगा,
ठीक है, बेस पॉइंट के अंदर इसलिए प्रेजेंट होता है ताकि ये इनकी ग्रोथ कर सके। ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ तो हो गई एपिकल और लेटरल से। अब जो इसकी लीव्स हैं, इंटर नोड्स हैं, ब्रांचेस हैं, उनकी ग्रोथ करने के लिए इंटर कैलरी, देखिए नाम से ही समझ जाओ, इंटर मतलब इंटरनल पार्ट, और उनकी ग्रोथ करने के काम में आता है। तो ये प्रेजेंट होगा एट द बेस ऑफ द स्टेम्स, और वी कैन से एट द बेस ऑफ इट्स लीव्स और स्टेम्स और इंटरनोड्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ, अगेन ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करने के काम में ही आएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्राइमरी टिश्यू। तो ये भी हम लोगों के लिए प्राइमरी टिश्यू का काम करता है ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का सिंपल टिश्यू खत्म। ठीक है, इसके बाद मूव करेंगे हम लोग परमानेंट टिश्यू के। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था तीन पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, राइट। उसके बाद पैरेन्काइमा के भी सब्स्टिट्यूट पार्ट्स थे, उसको और किसी नाम से भी जाना जाता है अलग अलग पोजीशंस में, राइट। तो सबसे पहले मैं परमानेंट टिश्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स पर मूव करता हूं, राइट, और उसके बाद मूव करूंगा उसके सब पार्ट्स पे और उसके भी सब पार्ट्स पे। ठीक है, देखिए सबसे पहले परमानेंट टिश्यू हमने देखा था, जब मेरिस्टेमेटिक मैच्योर हो जाएगा और स्पेसिफिक रोल करने का काम करेगा, देन इट इज नोन एज परमानेंट टिश्यू। शेप ओवल है, राउंडेड है, एलोंगेटेड फाइबर लाइक्स है, ठीक है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है, बिल्कुल अलग अलग सेल्स है एक ही सेल में, जैसे हमने देखा था कि मेरिस्टेमेटिक पूरा का पूरा एक ही सेल में, ठीक है ना। तो इसके डिफरेंशिएटेड सेल्स है, लिविंग है और डेड भी है, ठीक है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी बहुत लार्ज प्रेजेंट होती हैं, राइट, और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि सबके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस हो। दे डू नॉट हेल्प इन ग्रोथ, वो ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, राइट। अब सबसे पहला आता है इसके अंदर पैरेन्काइमा। देखिए पैरेन्काइमा को अगर मैं एक नाम में पढ़ना चाहूं तो मैं इसको बोल सकता हूं स्टोरेज फैक्ट्री। सिंपल, सबसे इजी काम कि इसको एक नाम से याद रख लो, स्टोरेज फैक्ट्री। तो पैरेन्काइमा का काम क्या है कि स्टोर करके रखना, कोई भी चीज हो उसको स्टोर करके रखना, प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट्स, पैरेन्काइमा, ठीक है ना। और बेसिकली ये प्रेजेंट होता है सॉफ्टर पार्ट्स ऑफ द प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो देखिए पैरेन्काइमा बहुत सारी लेयर्स, ठीक है, जब एक पैकिंग टिश्यू बनाती है दैट इज नोन एज पैरेन्काइमा। अनस्पेशलाइज्ड है और लिविंग सेल्स है, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स में पैकिंग करने के काम में बना है, इसका मतलब ये लूजली पैक्ड होंगे और इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होंगी। देखिए सारी चीजों पे मूव करने से पहले इसका एक बार डायग्राम देख लो, ठीक है ना, वो बहुत सारी चीजें अपने आप में एक्सप्लेन कर देगा। ये एक पैरेन्काइमा का डायग्राम है, ठीक है ना, राइट। देखिए किस तरीके का फिगर है, ठीक है ना, राइट, एलोंगेटेड फिगर है और क्यूबॉइडल शेप की तरीके से बना हुआ है। देखिए वैक्यूल का साइज काफी बड़ा है इनके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज, सेल वॉल भी प्रेजेंट है प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, सेलुलोज होगा तो स्ट्रेंथ देगा ही देगा। न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, इसका मतलब इंफॉर्मेशन भी कैरी कर रहा है, ठीक है ना। इंटर स्पेसिस देखिए कितनी लार्ज इंटर स्पेसिस है, ठीक है ना, ये सब इंटर स्पेसिस का पार्ट है। दिस पोर्शन इज इंटर स्पेसिस, इंटर स्पेसिस, दिस इज वैक्यूल, और ये जो पोर्शन है आपको वॉल्स के अंदर थिनिंग दिख रही होगी, अंदर की तरफ कर्व दिख रहे होंगे, ये सारे कर्व वॉल की थिकनिंग है, इसका मतलब कि बहुत थिक वॉल्स है, ठीक है ना। और प्लस ये वॉल्स इसको क्या पकड़ के रखती है, पैकिंग को क्लोजली पैक करके रखती है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए लूज पैकिंग है सारे के सारे, ठीक है। तो अब ये सारी चीज इसके क्या बन जाती है, करेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगी, ठीक है ना। देखिए लिविंग सेल्स है, लूजली पैक्ड है, इंटरसेलुलर स्पेसेस हम देख ही चुके हैं बहुत लार्ज है, वैक्यूल्स भी बहुत लार्ज है, ठीक है। तो ये हुई इसकी करेक्टरिस्टिक्स। अब बात करता हूं इसके फंक्शंस की, तो ये फूड का स्टोरेज करता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का स्टोरेज करता है, और बेसिकली जो पैरेन्काइमा स्टेम का होता है, रूट का होता है, वो न्यूट्रिएंट्स और वाटर को स्टोर करने के काम में आता है। प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को बहुत अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम में भी आता है। पोजीशन क्या होगी, सॉफ्टर टिश्यूज के पास प्रेजेंट होगा, जैसे एपिडर्मिस एंड कॉर्टेक्स, ठीक है। एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स हम डिटेल में बाद में देखेंगे। अब देखिए पैरेन्काइमा क्लोरेन्काइमा भी कहलाता है और एरेन्काइमा भी कहलाता है, दो अलग अलग सिचुएशन है। अगर इस पैरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल कंटेन करता है और वो फोटोसिंथेसिस के काम में आ रहा है, देन इट इज नोन एज क्लोरेन्काइमा।
ठीक है. नेक्स्ट वन एरेनकाइमा. एरेनकाइमा इज अ टर्म रिलेटेड टू एक्वेटिक प्लांट्स. तो एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर लार्ज कैविटीज और वो कैविटीज बियोन्सी प्रोवाइड करने के काम में आती है, जिसकी वजह से वो प्लांट फ्लोट करता है. हमने देखा है कि बहुत सारे एरियाज में, अगर हम पॉन्ड्स में देखें तो प्लांट्स हैं, हम उसकी लेयर के ऊपर ऊपर टॉप के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं. तो दैट इज टोटली ड्यू टू पैरेनकाइमा, क्योंकि पैरेनकाइमा में स्पेसिस बहुत ज्यादा है जिससे बायंसी इजीली लगता है, ठीक है ना. और बायंसी लग रहा है तो वो फ्लोट करने में हेल्प करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एरेनकाइमा. तो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का सबसे पहला परमानेंट टिश्यू, दैट इज पैरेनकाइमा. इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कॉलेनकाइमा के ऊपर एंड एरेनकाइमा. देखिए, पैरेनकाइमा ने हम लोगों को स्टोरेज के लिए काम में किया था, ठीक है ना. अब जो कॉलेनकाइमा है, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के काम में आता है. तो देखिए, हम लोग स्टेम्स को, बहुत सारी स्टेम्स है प्लांट्स की, ठीक है ना, उनको मोड़ते हैं, ठीक है ना, विदाउट बेंडिंग. हम लोग बेंड करते हैं विदाउट ब्रेकिंग, तो वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा? कॉलेनकाइमा प्रेजेंट होगा. तो कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने के काम में आता है, ठीक है, राइट. देखिए, कॉलेनकाइमा सेल वॉल इज थिक एंड इररेगुलरली एट द कॉर्नर्स. नंबर टू, टिश्यूज आर लिविंग. शेप कैसा होगा? लंबे लंबे होंगे विद पॉइंटेड एंड्स. देयर आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस. देखिए, पैरेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत सारी थी, स्टोरेज के काम में आता था. कॉलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेसेस कम है, स्टोरेज के काम में नहीं आता, बहुत लिटिल है. फंक्शन, इलास्टिसिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, हम लोग आराम से बैंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं. फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, आराम से कहीं भी लच्छी भी होती है. एंड अलाउड इजी बैंडिंग ऑफ लीफ एंड स्टेम्स विदाउट ब्रेकिंग, ठीक है. लास्ट वन इज इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट. मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के काम में आता है. पोजिशन क्या है इसकी? इन लीफ स्टॉक्स बिलो एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बिलो में लाई करता है, ताकि वहां से इनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सके. तो अगर हम बहुत अच्छे से बैंड कर सकते हैं और वो ब्रेक नहीं हो रहा है, तो मैं कहूंगा वहां पर कौन सा टिश्यू प्रेजेंट है? कॉलेनकाइमा टिश्यू इजिली प्रेजेंट है. अब हमारा लास्ट आएगा, दैट इज क्लैरेनकाइमा. देखिए, स्टोरेज हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई, हार्डनेस बची है, स्टिफनेस बची है, एंड दैट इज प्रोवाइडेड बाय क्लैरेनकाइमा, राइट. तो स्क्लेरेनकाइमा का बेसिक फंक्शन क्या है? हार्डनेस प्रोवाइड कराना. और इसके अंदर हार्डनेस एक टिश्यू की वजह से है, विच इज नेम्ड एज स्क्लेरेनकाइमैटोस, ठीक है. और ये टिश्यू क्या प्रोवाइड कराता है? हार्डनेस प्रोवाइड कराता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज स्क्लेरेनकाइमा, राइट. देखिए, ये बेसिकली डेड होते हैं और इनकी वॉल्स होती है वो थिक वॉल्स होती है, ठीक है, राइट. अब शेप लॉन्ग होता है, नैरो होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. बहुत सारी लेयर्स है और लिग्निन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के काम में आता है. तो ये इसका एक फंक्शन भी हो गया कि ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड भी कराता है. इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट, ठीक है. नेक्स्ट, हार्डन द प्लांट्स एंड प्रोवाइड स्टफनेस. कठोरता जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और जो बर्क बाक लेयर होती है उसके ऊपर, ठीक है ना, तो वो स्टिफनेस प्रोवाइड कराने के काम में जो चीज आती है, हार्डनेस प्लांट को जो प्रोवाइड कराता है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है ना. अच्छा, हमने कोकोनट देखा, कोकोनट की जो बाहर की हस्क है, ठीक है ना, जो कवर है उसका, कहते बहुत हार्ड होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा, ठीक है. प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स. इसकी पोजीशंस बहुत सारी हैं. सबसे पहले स्टेम्स में अराउंड वेस्कुलर बंडल्स, वेसल्स ऑफ बंडल्स, ठीक है, इन वेन्स ऑफ द लीव्स, ठीक है, एंड द लास्ट वन इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स. सीड्स और नट्स की हार्ड कवरिंग के अंदर हम लोगों को स्क्लेरेनकाइमा मिलेगा. तो फ्रेंड्स, ये हुआ हम लोगों का प्लांट के अंदर सबसे पहला सिंपल टिश्यू खत्म, ठीक है, राइट. इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स पे चलेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे साइलम एंड फ्लोएम. तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंपैरिजन के अंदर आता है, देखिए बेसिकली अगर ऐसे आएगा तो हम लिख देंगे, लेकिन अगर मुझे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में कंपैरिजन करना है, तो बहुत सिंपल कंपैरिजन है. पैरेनकाइमा स्टोरेज, कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड, और स्क्लेरेनकाइमा किस काम में आता है? हार्डनेस प्रोवाइड करने के काम में आता है, ठीक है ना. इसके अंदर इंट्रासेलुलर स्पेसिस बहुत सारी है पैरेनकाइमा, और बहुत लार्ज है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, वैक्यूल भी बहुत सारे, ठीक है ना, राइट. स्क्लेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा के अंदर, ठीक है ना, वही वैक्यूल्स कम हो गए, प्लस दूसरा स्टोरेज इंट्रासेलुलर स्पेसिस भी क्या हो गई? कम हो गई. और यहां पे तो स्क्लेरेनकाइमा में इंट्रासेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट है ही नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि जो पैरेन्काइमा है, वो पैरेन्काइमा बेसिकली क्या सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है और बेसिकली कुछ ही पोजीशंस पे मिलेगा आपको, ठीक है ना, सॉफ्ट पार्ट पे मिलेगा। लेकिन जो हमारा स्क्लेरेन्काइमा है ये सीड्स में भी मिलता है, नट्स में भी मिलेगा, ठीक है ना, आपको स्टेम्स में भी मिलेगा, आपको वेन्स ऑफ लीव्स में भी मिलेगा, ठीक है, राइट। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं बिटवीन द पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो ये हुआ हम लोगों का सबसे पहला प्लांट टिश्यू खत्म। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कीप ऑन शेयरिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स। और जो भी प्रॉब्लम हो उनको कमेंट नहीं करना भूलें, ठीक है, और अपने आसपास सफाई बनाए।